अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज की हमारी वीडियो का मौजू है लैंड बेयरिंग टू कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। तो ये एक्सेल के अंदर लैंड बेयरिंग के मुतालिक ये पूरी इसकी कैलकुलेशन हुई है। आप ये देख रहे हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के सारे कोऑर्डिनेट उनकी आरडी के अगेंस्ट एक एक मीटर के ऊपर या एक एक फीट के ऊपर सारी ये कैलकुलेट हुए। एक बहुत यूज़फुल शीट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप उधर से इसको देख के और अपने डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि पहला हमारा डेटा इनपुट है, आपने स्टार्ट स्टेशन और स्टार्ट ईस्टिंग और स्टार्ट नॉर्थिंग दे देनी है। तो अगर मैं प्लान के ऊपर आता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की हमारे पास पूरी ये एक ड्राइंग होती है, जिसके अंदर हमारे पास ड्राइंग के अंदर इधर ये बेयरिंग और डिस्टेंस दिया गया होता है, इधर स्टार्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है, इधर जिधर हमारे पास पहली कर्व आ रही होगी उसका उधर तक की इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो आपने स्टार्ट पॉइंट ये दे देना है 0 0, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग और ये आप ये जो बेयरिंग आपके पास आ रही होगी ये बेयरिंग आपने इधर इंटर कर देनी। तो आपने इधर इस पॉइंट से लेके और ये हमारे पास जो कर्व जो हमारी पी आई पॉइंट जा रहा होगा उसका पी सी स्टेशन उस जगह तक के आप सारे कोऑर्डिनेट इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इसके अंदर जस्ट इधर से आपने अपना पहला स्टेशन दे देना, अगर 0 0 है तो 0 दे देना, कोई भी स्टेशन आता है आपका आप दे सकते हैं 550.500 और आपने इसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स इधर लिख देने हैं जो उनसे भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं। ये तो मैं अगर आपके सामने इधर लिखता जा रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट आपने लिख देना। उसके बाद ये है हमारे पास डिग्री मिनट सेकंड, तो जो डिग्री आपके पास आ रही होगी वो आपने इधर लिख देनी है डिग्री के कॉलम में, डिग्री मिनट के सेकंड में, मिनट और सेकंड के सेकंड वाले कॉलम के अंदर आके आपने इधर उसका सेकंड लिख देना है। तो ये आपने सेकंड इधर लिख देना है, इधर ये डेसिमल डिग्री है, अगर आप इधर नहीं लिखना चाहते तो आपने इधर जो भी डेसिमल डिग्री आ रही है वो आपने इधर लिख देनी है। तो आपने डिग्री इधर इस तरह लिख देनी है, पहला स्टेशन उसके जिस जिधर से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स इधर डिग्री मिनट सेकंड लिख देने हैं, डेसिमल डिग्री इधर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ये फार्मूला आपके सामने लगा हुआ है, अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते डेसिमल डिग्री में करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट इधर इसको डेसिमल डिग्री आपका बन जाएगा, आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपने एंड स्टेशन लिखना है जिधर तक आपको उसके कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर। तो इधर मेरे पास अगर 5000 तक की आरडी का रिक्वायरमेंट है तो मैंने इधर 5000 तक का बना देना है। इसको मैं आरडी की शेप के अंदर ले आता हूँ तो ये मेरे पास 5+00 आ जाएगा। जो से भी आरडी आप इधर देना चाहते हैं उस फॉर्मेट के अंदर आप उसको बना सकते हैं। स्टेशन इंटरवल है, स्टेशन इंटरवल आप आरडी कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर चाहिए आपको, अगर आपको 5 मीटर के ऊपर चाहिए तो आप 5 मीटर इधर से इंटर कर दें, ये आपके सारे डिस्टेंस 5 मीटर के ऊपर हो जाएंगे। आपको 10 मीटर के ऊपर चाहिए आप इधर से 10 मीटर इंटर कर दें, ये सारी आरडीज आपकी 10 मीटर की हो जाएंगी और सारे कोऑर्डिनेट्स आपके सेंटर राइट और लेफ्ट के 10 मीटर के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से 50 मीटर जितना भी आप इसको ऐड करते जाएंगे ये आपके होते जाएंगे। इसी तरीके से नीचे आप आते हैं, लेफ्ट ऑफ साइड है और राइट ऑफ साइड है। लेफ्ट ऑफ साइड आप माइनस के अंदर लिखेंगे जितना भी आपको चाहिए, 25 के ऊपर चाहिए तो आपने 25 लिख देना, तो ये आपके 25 के ऊपर राइट साइड और लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स इधर कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने इसको 50 मीटर करना है तो ये आपके 50 मीटर के हो जाएंगे, ये आपके 25 मीटर के। तो इसी तरीके से जोन से भी ऑफ साइड आप इधर से देंगे ये आपका हो जाएगा। तो ये आपने इधर जस्ट इसके अंदर से आपने स्टार्ट स्टेशन उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग और डिग्री कर्व सेकंड देना है, उसके बाद आपने एंड स्टेशन अपनी आरडी दे देनी है आपको किधर तक के ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए और उसके राइट और लेफ्ट साइड के ऑफ साइड। तो ये आपके पास इधर सामने पूरे इसके सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जिधर तक आप इसका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना। तो आप ये देख रहे हैं कि 6500 तक के ये कोऑर्डिनेट्स उसके सेंटर लाइन के राइट और लेफ्ट के सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इधर कैलकुलेट होकर आ गए। तो ये एक बहुत यूज़फुल शीट है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा जिसकी मदद से आप इसको अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। बहुत यूज़फुल शीट है, आप इसको ख़ुद भी बना सकते हैं, ये पूरी ओपन शीट है, इसके अंदर सारे फार्मूलाज वगैरह ये लगे हुए हैं सारे, आप इसको देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड की सारी कैलकुलेशंस इसके अंदर हुई हुई है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक कर देना है, ये लिंक मैंने दिए हुए सारे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को आपने लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।